दोस्तों, कहानी का नाम है उपहार बड़ा या प्यार। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वाति सुबह से घर को सजाने में लगी हुई थी। उसने अपने पति अनिल के मनपसंद लाल गुलाबों से पूरा बेडरूम सजा दिया था। सुबह ही वो अपने बगीचे से एकदम ताजे ताजे लाल गुलाब तोड़ लाई थी। गुलाबों की खूबसूरती से कमरा तो निखर ही गया था, साथ ही उसकी भीनी भीनी खुशबू माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। आज वह बेहद खुश थी, क्योंकि आज स्वाति और अनिल की शादी की सालगिरह जो थी, आज उनकी शादी को पूरे 5 साल हो गए थे, लेकिन उनके रिश्ते में प्यार की ताजगी अभी भी बनी हुई थी। अनिल स्वाति से इतना प्यार करता था, उसकी इतनी परवाह करता था कि स्वाति को लगता था कि जैसे अभी अभी उन दोनों की शादी हुई हो। अनिल बिल्कुल नए जोड़ों की तरह हमेशा स्वाति के पास रहने के बहाने ढूंढता, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करता। स्वाति तो अनिल का प्यार पाकर निहाल हो उठी थी। उसके चेहरे पर हमेशा अनिल के प्यार की चमक बनी रहती थी। जो भी स्वाति से मिलता तो उसकी खुशी का राज पूछे बिना ना रह पाता था, और स्वाति बस मुस्कुराकर शर्म से लाल हो जाती थी। अनिल बाजार गया था। इतनी देर में स्वाति ने कमरा सजा कर तैयार कर दिया, तभी दरवाजे की घंटी बजी। स्वाति ने दरवाजा खोला तो अनिल स्वाति के मनपसंद समोसे और केक लेकर आया था। दोनों ने एक दूसरे को अपने हाथों से केक और समोसा खिलाया। अनिल स्वाति के लिए उपहार में हरे कांच की चूड़ियां लाया था। वो स्वाति को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाने लगा। उस पल दोनों ही एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से निहार रहे थे। फिर अनिल ने बड़े ही प्यार से स्वाति से कहा, आज का स्पेशल लंच मेरी तरफ से, तुम आराम करो, मैं लंच बनाता हूँ। लेकिन स्वाति ने कहा कि नहीं, आज हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। फिर दोनों पति पत्नी एक साथ मिलकर खाना बनाने लगे। अनिल और स्वाति एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन सीमित आमदनी में भी उनके जीवन में आपसी प्यार के कारण खुशियाँ ही खुशियाँ थी। स्वाति और अनिल के पास जो भी था, जितना भी था, वो उसी में संतुष्ट रहते थे और जीवन के हर पल का आनंद उठाते थे। बहुत ही सादगी भरा और प्रेम से परिपूर्ण जीवन था उनका। आज अनिल ने स्वाति का मनपसंद शाही पनीर बनाया था और स्वाति ने अनिल की पसंद की खीर और पराठा बना लिया। दोनों ने साथ मिलकर लंच किया। उसके बाद दोनों एक रोमांटिक मूवी लगाकर देखने लगे। तभी स्वाति की सहेली वर्षा का फोन आया। उसने स्वाति को फोन पर शादी की सालगिरह की बधाई दी। फिर उसका हालचाल पूछने के बाद वो उससे पूछने लगी कि आज अनिल ने तुम्हें उपहार में कुछ दिया क्या। स्वाति ने खनकती हुई आवाज में जवाब देते हुए कहा, हाँ, ये मेरे लिए चूड़ियां लाए हैं ना। वर्षा ने चहकते हुए पूछा, सोने की चूड़ियां हैं क्या। स्वाति चूड़ियों से सजी अपनी कलाई को प्यार से निहारते हुए खुशी से डूबी आवाज में बोली, अरे नहीं, ये तो कांच की चूड़ियां लाए हैं। मुझे बहुत दिन से हरे रंग की चूड़ियां चाहिए थी ना, तो आज ये लेकर आए। वर्षा ने इतराते हुए तपाक से कहा, कांच की चूड़ियां भी भला कोई गिफ्ट होती है। मेरे पति तो अभी मेरे जन्मदिन पर हीरे का हार लेकर आए थे। स्वाति को याद आ गया कि कैसे जब एक दिन अचानक स्वाति वर्षा के घर पहुंच गई थी, तब अनजाने ही उसने वर्षा और उसके पति की लड़ाई देख ली थी। कितनी बुरी तरह से वर्षा का पति वर्षा को अपमानित कर रहा था और वर्षा फूट फूट कर रोए जा रही थी। वर्षा खुद को अपमानित ना महसूस करे, इसलिए उस दिन स्वाति ने उसे यह एहसास भी नहीं होने दिया कि उसने सब कुछ देख लिया है। वह चुपचाप दबे पाँव दरवाजे से ही लौट आई थी। स्वाति ने मन ही मन वर्षा के लिए अफसोस करते हुए कहा, कोई बात नहीं, भले ही ये मेरे लिए महंगे उपहार नहीं लाए, पर ये जो मुझे इतना मान सम्मान और प्यार देते हैं, उसके आगे मुझे किसी भी महंगे उपहार की कीमत बहुत ही मामूली लगती है। मैं अपने पति के प्यार से ही संतुष्ट हूँ। स्वाति की बात सुनकर वर्षा निशब्द हो गई। उसे भी अपने रिश्ते की कड़वाहट याद आ गई। वो किसी तरह बस इतना ही बोल पाई, चल खुश रह तू, अगर तू खुश है तो और क्या चाहिए। इतना बोलकर उसने फोन रख दिया और अपनी चूड़ियों की मधुर धुन खनकाते हुए स्वाति चल पड़ी अपने जीवन में कुछ और यादगार पल जोड़ने। आखिर अनिल कब से उसका इंतजार जो कर रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आपके लिए किस चीज़ की कीमत ज़्यादा है, उपहार की या प्यार की? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी नई और मज़ेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कहानी आप तक बिना किसी रुकावट के तुरंत पहुँच जाए। धन्यवाद।